गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्स। दोस्तों इंडिया टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडी मैच बहुत ही जोर से चल रहा है दोस्तों। आज तो बहुत शानदार पारी खेली है। शुभमन गिल ने 208 रन की बहुत ही शानदार शतक लगाया, 200 शतक जड़ा है आज। 150 गेंद में 19 चौके 9 छक्के लगाए हैं आज इस मैच में। 139.59 की स्ट्राइक रेट बनाए हैं दोस्तों। रोहित शर्मा कैप्टन आज 34 पे आउट हुए, 38 गेंद में 4 चौके 2 छक्के लगाए थे, 89.47 की स्ट्राइक बनाए थे। टिकर की गेंद पे मिचेल ने कैच लगाया, रोहित शर्मा कैप्टन का 34 पे आउट किया, कैच आउट हुए मिचेल की गेंद पे। टिकनर की गेंद पे मिचेल ने कैच लगाया और रोहित शर्मा को 34 पे आउट किया, 38 गेंद में 36 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे, 89.47 की स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल की बहुत शानदार पारी खेली, सिपले की गेंद पे फिलिप्स ने कैच लगाया, शुभमन गिल को 208 रन पे आउट किया, 149 गेंद में बहुत शानदार पारी खेली। 200 शतक जड़ा है इस मैच में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की आज। विराट कोहली की बात करें, 8 रन पे आउट, 10 गेंद में 1 चौका लगाया था, लेकिन खराब गेंद संतर की बोल्ड हो गई। विराट कोहली बोल्ड ही होते हैं। पिछली पेरी 200 रन की पारी खेली थी, वो पिछले मैच में 17 शतक पूरा किया था, लेकिन इस मैच में 8 रन के आउट हुए, 10 गेंद में 1 चौका, 80 की रही थी स्ट्राइक रेट। बहुत शानदार पारी खेली विराट कोहली ने 8 रन की। ईशान किशन की बात करें, विकेट कीपर आज 5 रन पे आउट हो गए थे आज। फर्ग्यूसन की गेंद पे लथम ने कैच लपका और स्टंपिंग किया था आज, 5 रन पे आउट किया 14 गेंद में। बहुत शानदार पारी खेली, 35.71 की स्ट्राइक रेट बनाए थे खाते से। ईशान किशन कैप्टन आज 5 रन पे आउट हुए 14 गेंद में। बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की, 31 रन की बहुत शानदार पारी खेली, 26 गेंद में 4 चौके आए थे उनके बल्ले से, 119.23 की रन से रन आए थे। संतार ने कैच लगाया मिचेल गेंद पे, सूर्य कुमार यादव मात्र 33 रन पर आउट हुए आज, 26 गेंद में 31 रन बनाए थे, 4 चौके लगाए थे। 34 पर आउट हुए रोहित शर्मा कैप्टन आज, बहुत ही शानदार पसंद रहा कैप्टन का भी। शुभमन गिल की बात करें, 208 रन की बहुत शानदार पारी खेली 150 गेंद में। तो आज बहुत ही शानदार पारी खेली थी आज। विराट कोहली ने 8 रन की संतर गेंद पे आउट हुए, शुभमन गिल की बहुत ही शानदार जवाब पारी, 149 गेंद में 14-19 चौके और 9 छक्के आए थे उनके बल्ले से, 149 रन से रन आए थे। बहुत ही शानदार और शानदार रोमेंटिक पारी खेल के इस मैच को आगे बढ़ाया विराट कोहली 8 रन पे। और वैशाख की बात करें, 5 रन पे फर्ग्यूसन गेंद पे रतन ने कैच लपका, 31 पे सूर्य कुमार यादव, 26 गेंद 31 रन बनाए, 4 चौके, 119.23 की रन से रन आए थे। तो इस तरह से बहुत शानदार पारी खेल के बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है आज इंडिया के 50 ओवर मैक्सिमम मैच, इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, ओडी मैच, फर्स्ट ओडी मैच आज का, बहुत ही शानदार खेला गया दोस्तों। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करते हुए, न्यूजीलैंड की आज बहुत ही शानदार पारी, हार्दिक पांड्या की बात करेंगे आज। हार्दिक पांड्या 28 रन पे आउट हुए 38 गेंद में, मिचेल गेंद बोल्ड हुए 38 गेंद में 28 रन बनाए, 3 चौके, 73.68 की स्ट्राइक रेट। वाशिंगटन सुंदर 12 रन पे आउट हुए 14 गेंद में, सिप्ले गेंद पे 63.71 की स्ट्राइक रेट। साधु ठाकुर 3 रन बनाए, आउट हुए, रन आउट हुए आज 3 गेंद 3 रन। कुलदीप यादव 5 रन पे नॉट आउट, मोहम्मद शमी 2 रन पे, मोहम्मद शमी नॉट आउट, 13 ओवर ऐसे मिले 350 के 8 ओवर के विकेट पे। डिड नॉट बैट मोहम्मद सिराज, फॉल ऑफ विकेट, 60 वाला विकेट गया था। तो इस समय का 13 विकेट गेंद पे टेस्ट 200 विकेट, विराट कोहली 16 गेंद 110 विकेट, ईशान किशन का सूर्य कुमार यादव 14 पे 14 विकेट, 250 पे 5 विकेट, 292 छठा विकेट, 302 पे 700 विकेट, 345 पे 8 विकेट। दोस्तों बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग जहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से आ रही है इंडिया न्यूजीलैंड की, तो दोस्तों बॉलिंग बात करेंगे, हेनरी सिप्ले 9 रन ओवर में 74 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 8.22 5 विकेट डाली, लोकी फर्ग्यूसन 10 ओवर 70 रन 1 विकेट, 77 इकोनॉमी, बिल्लर टिकनर 10 ओवर में 69 रन और 1 विकेट, 6.90 इकोनॉमी, मिचेल संता 10 ओवर 56 रन विकेट 1 विकेट डाली, मिचेल बेस्टवेल 6 ओवर में 43 रन दिए 0 विकेट 0 मेडल। दोस्तों बात करेंगे डेली मिचेल की, 5 ओवर 29 रन दिए, 2 के झटके, बड़े बड़े विकेट लिए थे टक्कर ने आज, शुभम गिल का विकेट लिया था बड़ा विकेट दोस्तों, 208 रन बनाए थे शुभम के लिए पिछले मैच में हमने बात की थी दोस्तों। इससे दोस्तों बहुत ही शानदार के साथ बैटिंग रही है इंडिया की, 350 का रहा है बहुत ही शानदार स्कोर, 50 ओवर में 6 विकेट नुकसान पे विकेट गिरे थे, 4 विकेट 8 विकेट के 345 पे, 2 हेनरी का लोकी 1 विकेट, ब्लेयर 1 विकेट, मिचेल 1 विकेट और डेली मिचेल 2 विकेट। दोस्तों 60 रन पे पहला विकेट गिर चुका था रोहित शर्मा का, उसके बाद 28 रन विकेट विराट कोहली गया था, विराट कोहली हमेशा बोल्ड होते हैं तो आज पिछले 20 बार भी। तो
तो दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड टीम की। दोस्तों न्यूजीलैंड में आपको मिला है स्कोर 350 का, 50 विकेट। बैटिंग की बात करें रन 4-6 स्ट्रेट। फिर लैन 40 रन की शानदार पारी खेली ठाकुर गेंद पे। शहबाज अहमद ने सब कैच लब का 39 गेंद में 40 रन में 7 छूके 1 छक्का लगे 102 की स्ट्रेट। देवन कॉनवे 10 रन में 16 गेंद में 65 स्ट्रेट से। हेनरी निकोलस 18 रन बनाए थे 31 गेंद में 3 छोके 58.0 की स्ट्रेट। और कुलदीप यादव गेंद बोल्ड हुए थे। डर्ली मिचेल 12 रन बनाए 9 गेंद में। कुलदीप यादव गेंद में लीड होते 75 की स्ट्रेट बनाए थे अपने खाते से। तो बैटिंग में फिनल 40 रन बनाए। और दोस्तों देवन कॉनवे 10 रन बनाए थे। हेनरी निकोलस 18 रन बनाए 9 रन बनाए डर्ली मिचेल ने 1 छक्का लगाया था। पहला फिनल ने 7 चौके 39 की गेंद में 40 रन। देवन कॉनवे 10 रन, हेनरी निकोलस 18 रन, डर्ली मिचेल 9 रन। डर्ली मिचेल 9 रन 12 गेंद में। टॉम मैथम कैप्टन 15 रन बनाए 26 गेंद में 2 चौके 57.9 स्ट्रेट से। नॉट आउट ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाए 14 गेंद में। नॉट आउट ग्लेन फिलिप्स 1 चौका 64.28 स्ट्रेट से। एक्स्ट्रा मिले 6 रन 104 विकेट 23 ओवर हो चुके समाप्त। दोस्तों आज मेरी टीम आगे दबाव में 4 विकेट गिर चुके हैं अभी इस मैच के। दोस्तों सर बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की है इंडिया टीम ने। टॉम मैथम नॉट आउट खेले कैप्टन भी मौजूद है 15 रन बना चुके 26 गेंद में। दोस्तों आज ग्लेन फिलिप्स 9 रन बना चुके नॉट आउट है 14 गेंद 1 लगाया चक्का 64.28 की स्ट्रेट से। टोटल हुए 6 एक साथ में 4 विकेट 23 ओवर समाप्त 5.4 चल रही है 100। टॉम मैथम कैप्टन 15 रन पे अभी क्रीज मौजूद है ग्लेन फिलिप्स के साथ में। डर्ली मिचेल आज खराब गेंद से कुलदीप यादव ने बोल्ड किया एलपीड किया 9 रन बना के 12 गेंद 75 की स्ट्रेट। दोस्तों इससे आज 23 ओवर हुए समाप्त 4.65 स्ट्रेट से। तो बात करें बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग की सस्ती आज मैच में। इंडिया ने 350 का दिया है इस लक्ष्य न्यूजीलैंड टीम को। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडी मैच इंडियन टॉस जीता पहले फैसले किया बैटिंग का। तो शुरू करते हैं आज बॉलिंग का स्कोर किस तरह है इंडिया टीम का। तो बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, साधु ठाकुर। मोहम्मद शमी ने 5 ओवर में 1 मिनट निकाला 16 रन दिए 0 विकेट 3 पर बैलेंस इकोनॉमी। मोहम्मद सिराज 5 ओवर 2 विकेट 2 मेडल 23 रन 1 विकेट 4 की इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 24 रन दिए 0 विकेट 12 की इकोनॉमी 1 विकेट डाली। तो कुलदीप यादव बात करें 6 ओवर में 1 मेडल 29 रन 2 विकेट लिए 4.83 इकोनॉमी रही। और साधु ठाकुर की बात करें 5 ओवर में 14 रन 1 विकेट 2.62 की इकोनॉमी रही। इस तरह दोस्तों आज 2 विकेट लिए कुलदीप यादव ने 1 लिया, मोहम्मद सिराज ने 1 लिया, साधु ठाकुर ने। और मिचेल ब्रेसवेल, मिचेल संता, हेनरी फिलिप लिए लोकी फर्ग्यूसन प्लेयर क्रिकनर की बैटिंग बाकी है। फॉलो विकेट पहला विकेट था 28 पर देवन कॉनवे का, छठे चौथी गेंद पर 270 दूसरा विकेट फिर इंग्लैंड का 13 पर 5 गेंद। हेनरी निकोलस का 16 ओवर में 3 गेंद पर गिरा था 78 तीसरा विकेट, चौथा विकेट गिरा था 89 पे। डर्ली मिचेल का 18 चौथी गेंद पे जिस मेडल वो है 1 निकाला मोहम्मद सिराज ने, 2 निकाला मोहम्मद सिराज ने, 1 निकाला मतलब यादव ने। वीडियो अच्छी कैसे हमें जरूर बताइए। अपने चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।